shit. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका इंड्रोमेनिया पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास में कोई सा भी रियलमी का स्मार्टफोन है और वहाँ पर आप पबजी की ऑफिशियली थीम जो है वो आप लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल जो थीम है पबजी की वो आप अपने रियलमी स्मार्टफोन में लगा सकते हैं। बिल्कुल ईजी मेथड है, बिल्कुल ईजी, सिर्फ एक क्लिक में आपकी वो थीम्स अप्लाई हो जाएगी आपके स्मार्टफोन में। तो इसको जानने के लिए दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के पास में आपको बेल आइकन भी दिख जाएगी, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने मेरा स्मार्टफोन दिख रहा होगा, और चलिए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ रियलमी थीम्स में। जी हाँ दोस्तों, रियलमी थीम्स में जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर थीम स्टोर है, ये रहा, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये है Realme थीम स्टोर, और आप देख सकते हैं PUBG की जो मोबाइल थीम है वो यहाँ पर दिखा रहा है आपको, यहाँ पर नीचे भी दिख जाएगा और ऊपर भी आपको दिख जाएगा। तो कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे आपकी इच्छा है। तो मैं PUBG थीम पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं PUBG मोबाइल सैनोक। जी हाँ दोस्तों, ये जो थीम है ये सैनोक मैप की है। अगर आपको अदर मैप की लगानी है तो आपको यहाँ पर PUBG मोबाइल लिखा हुआ मिल रहा होगा, ये वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों तीन अलग अलग तरीके की जो है वो थीम्स देखने को मिल जाएगी PUBG की, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक थीम नहीं देखने को मिलेगी, वो है इरेंगल की। जी हाँ दोस्तों, इरेंगल मैप की थीम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उसके अलावा तीनों मैप्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इन तीनों में से जो भी आपकी इच्छा है, जिसको भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे PUBG मोबाइल पहली वाली थीम पे सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों इसके जो डाउनलोड्स है वो दोस्तों 2 लाख से भी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 2 लाख से भी ज़्यादा इसके डाउनलोड्स से ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था, तो मैं इसको सिंपली अप्लाई करता हूँ। और दोस्तों ये बिल्कुल ऑफिशियली थीम है, तो आप ईजीली आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थीम अप्लाई हो चुकी है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या कुछ अलग देखने को मिलता है गेम स्पेस की बात करूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप का आइकन देखने को मिल रहा है, जो ड्रॉप आता है गेम के अंदर वो वाला आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको काफ़ी, मतलब जो एप्लीकेशन है इनके कुछ कुछ आइकन्स जो है वो बदल गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ के अंदर जो है आपको PUBG की फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको सेटिंग भी चेंज है, और थीम स्टोर भी आप देख सकते हैं, इसका भी आइकन चेंज है। तो काफ़ी बेहतर होता है इस तरीके से, काफ़ी अलग लुक आप अपने स्मार्टफोन को दे सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार सैनोक लगा के देखता हूँ कैसा लुक आता है। ओके, सैनोक को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सैनोक मैप जो है, मतलब थीम, वो लग चुकी है, मतलब एकदम अलग लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी आइकन्स बदल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन मैनेजर को आप देख सकते हैं, फ़ोन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा रेडियो आप देख सकते हैं, हालांकि रेडियो में चेंजेस ज़्यादा नहीं है, और सेटिंग्स में आप देख सकते हैं, इसके अलावा थीम स्टोर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। यही नहीं दोस्तों, जब आप अपने स्मार्टफोन को स्क्रीन लॉक करोगे और जब आप यहाँ पर ये वाला बटन प्रेस करोगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो थीम है, मतलब कि जो स्क्रीन लॉक है, वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, और ये तीनों की तीनों आपको अलग अलग देखने को मिलेगी अलग अलग थीम्स में। तो काफ़ी अच्छा लुक आपका यहाँ पे स्मार्टफोन दे देता है। तो बस दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में, मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन तीनों की तीनों थीम्स को अपने स्मार्टफोन में अप्लाई कीजिए और मज़े लीजिए। तो बस दोस्तों मिलते हैं अगले एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना, अपनी फैमिली का। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Sexy chicks, every day taking trips on my